दोस्तों आज से लगभग 34 साल पहले एक ऐसी फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी जिसने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था, लेकिन उस मूवी पर कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में एक्टर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेकर खुद भी फिल्म बनाने का फैसला किया और फिर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। दोस्तों ये सन्नी देओल के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। दोस्तों सन्नी देओल ने साल 2023 में सिल्वर स्क्रीन पर दमदार वापसी की। उन्होंने फिल्म गद्दार 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि सब देखते ही रह गए। पिछले साल उन्होंने साबित कर दिया कि वह आज भी बॉक्स ऑफिस के राजा हैं। सन्नी देओल ने आज से लगभग 34 साल पहले अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया था और वह सफल भी साबित हुए थे। दोस्तों साल 1990 में रिलीज हुई सन्नी देओल की घायल ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की थी। इसमें सन्नी देओल ने लीड रोल निभाया था, लेकिन ये वो फिल्म थी जिस पर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। सन्नी देओल ने अपनी इस फिल्म को बनाने के लिए कई प्रोड्यूसर को अप्रोच किया था, लेकिन सब ने मुंह फेर लिया था। दोस्तों पिछले साल सन्नी देओल ने फिल्म घायल की रिलीज के 33 साल पूरे होने के मौके पर इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अपनी इस फिल्म से उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए सफर की शुरुआत की थी। दोस्तों सन्नी देओल ने घायल के कुछ क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, एक फिल्म जिसने मुझे प्रोड्यूसर बनाया क्योंकि कोई भी इसे बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। घायल के 33 साल पूरे, एक फिल्म जिसने सभी का दिल जीत लिया था। दोस्तों सनी देओल की सुपरहिट फिल्म घायल का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सनी देओल ने घायल को बनाने के लिए प्रोड्यूसर से बात की तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। कहानी सुनने के बाद सबको लगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाएगी। सनी देओल से कहा गया कि इस फिल्म को मत बनाओ, ये नहीं चलेगी। हालांकि सनी देओल के पिता धर्मेंद्र को यकीन था कि घायल बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी और ऐसा ही हुआ। दोस्तों जब प्रोड्यूसर ने मुंह फेर लिया तो सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र के साथ मिलकर घायल को प्रोड्यूस करने का फैसला किया। रिलीज के बाद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की।